की भूमिका पर सवाल। सिंघाड़ गांव रेप केस में की लापरवाही। बनखेड़ी तहसील के सिंघाड़ ग्राम की 12 साल की लड़की के साथ कुछ लोगों ने रेप किया और बाद में उसकी लाश रेलवे लाइन के पास मिली। लड़की के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बावजूद इसके जब अज्ञात लाश पुलिस को मिली तो पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया और लाश ठिकाने लगाने के बाद लड़की के परिजनों को बुलाकर ये बताया गया कि एक लाश मिली थी, उसके कपड़ों को देख लें, कहीं ये आपकी लड़की तो नहीं। जब परिजनों ने देखा तो कपड़े उसी लड़की के थे जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस घटना को एक माह हो चुके हैं जिस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। घटना का अभियुक्त श्रीकांत गुर्जर बताया जाता है, जिसके संबंध में सोमवार को कई संगठन ने नर्मदापुरम जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से भी मुलाकात की। डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। मुस्लिम मूल निवासी संगठन के शरीफ रायन ने मामले में तीखी प्रक्रिया दी है और साथ में जैस के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह परते, जैस महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रेमवती मवासी, जिला प्रवक्ता कैलाश खुराना, अनुसूचित मोर्चा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम ठाकरे, एसीएस के आकाश कुशराम, मुस्लिम मूल निवासी संघ के सगीर खान आदि संगठन के नेता उपस्थित रहे। जिला नर्मदापुरम में बनखेड़ी तहसील में सिंघाड़ गाँव में जो एक घटना घटी, लगभग उसको एक महीना हो चुका है। 30 जुलाई की घटना है जहां पर एक बच्ची के साथ अप्रकृतिक कृत किया गया और उसका जब शांत हो गई वो, तो उसका जो जिस तरीके से अंतिम संस्कार होना चाहिए, उस प्रकरण में जिस तरीके से शिनाख्त होना चाहिए, वो शिनाख्त कुछ भी नहीं हुई है। और उस प्रकरण को लेके आज जिला कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक बोला जाए तो एक मानवता वो यहाँ पर हाजिर है, जिसमें जेएस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मुस्लिम विकास के पदाधिकारी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि किस तरीके की घटना है और क्या हुआ था और क्या अभी होने जा रहा है, और वहाँ पर अभी आज जो उनकी जो चर्चा हुई है जिला कलेक्टर नीरज सिंह जी से, तो वो क्या आश्वासन मिला है और किस तरीके की वहाँ पर कार्यप्रणाली आपको देखने को मिली है। जी सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या प्रकरण था और थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। नर्मदापुरम जिले की बनखेड़ी तहसील के गांव सिंघाड़ा में एक बच्ची पढ़ती थी जो नाबालिग की 12वीं क्लास में, उसको 30 जुलाई को 12 बजे रात को वहां कुछ लोगों ने उठा के ले गए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसको घटना खोले नहीं तो उसको रेल में सामने ले आके फेंक दिया। इसके एक दिन पहले जब वो गुम हुई, दूसरे दिन जाके उसके माता पिता ने परिवार के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और दूसरे दिन ये घटना हो गई उसके ट्रेन में कटने की। जब ट्रेन में कटी हुई लाश मिली तो पुलिस ने उसकी शनाख्त के लिए परिवार को नहीं बुलाया और किसी से शनाख्त किए बगैर उसको लावारिस कहकर उसको दफना दिया, और दफनाने के दूसरे दिन फिर घर के लोगों को बुलाया और कपड़े दिखाए कि देखो यही कपड़े हैं क्या। तो एक ये काम गलत हुआ, दूसरा ये कि जब ऐसी घटना थी तो उसका PM करवाना था। छोटी छोटी घटनाओं में पोस्टमार्टम किया जाता है, इसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? जब घर के लोग नाम ले रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा काम किया श्रीकांत गुर्जर ने, तो श्रीकांत गुर्जर को बुला के उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाल के निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं हुई। इसको लेके पूरा आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज, उसमें मुस्लिम भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी किस्म के लोग हैं, उनको आक्रोश है। और हम लोग, अगर हमको न्याय जल्दी नहीं मिलेगा तो हम एक बड़े आंदोलन करेंगे और कंटिन्यू आंदोलन करेंगे जब तक कि हमको न्याय नहीं मिल जाए। ये बहुत अंधेर की बात है। हमारे यहाँ कलेक्टर बहुत अच्छे हैं, SP बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अभी हम कलेक्टर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा नहीं ये घटना मेरे ज्ञान में थी, अब आप लोगों ने लाया तो मैं इसकी बढ़िया जाँच करवाऊँगा। SP साहब छुट्टी गए, 2 तारीख को आने दो, मैं इसको आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बढ़िया जांच कराऊंगा, ये आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया हमें। आप बताएं मैडम, आप क्या बोलती हैं, क्योंकि आप भी मात सकती हैं और कहीं ना कहीं ये इस तरीके जो आज जो माहौल बना है इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और कहीं ना कहीं अपनी व्यथा, अपनी कुंठा आप बताएं जरूर। कि मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई किसी भी लड़की को घर से उठा कर ले जाना ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, फिर अभी तक मतलब उसका क्यों नहीं इसका निराकरण निकला है और पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया और उसको दफना दिया, इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, तभी तो नहीं हुआ, ये बोलना चाह रही हूँ। तो आप अभी शायद मतलब इससे पहले आप चुनाव में भी थी, तो आप थोड़ा सा डिटेल बताएं ताकि कम से कम पता चल पाए लोगों को। जी जी, आपने कहाँ से मतलब? मैं सिवनी मालवा से प्रत्याशी थी जी, वार्ड क्रमांक 3 से, तो इस जिला पंचायत के लिए। जी जी, तो इस तो मैं आप वहाँ से आना हुआ है आपका? जी जी जी, आप बताएं सर क्या बोलेंगे। श्रीमान जी, हम लोग यहाँ पर सभी संगठनों के लोग यहाँ पर आकर माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने निवेदन किया है कि माननीय महोदय जी, इतनी बड़ी क्राइम
होशंगाबाद नर्मदापुरम के अंदर हुआ, बनखेड़ी थाना, उसकी जांच जिस तरीके से वैधानिक करना चाहिए उस जांच को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। जब हम लोगों ने जाकर थाना बनखेड़ी से बात की कि श्रीमान जी आपने, जब परिवार के लोगों ने नामजद कहा कि श्रीकांत गुजर जो है और उनके सह आरोपी जो हैं उनको भी छुपाया जा रहा है, जब हम लोगों के द्वारा ये बात रखी गई तो आनंद फानन में दबाव में आकर उनने सिर्फ शक के आधार पर जो श्रीकांत गुजर को जेल भेजा है। हमारा कहना है श्रीमान महोदय जी कि जब उसमें क्राइम हुआ है उसमें 302 की धारा, पास्को एक्ट 376 ऐसी, और अपहरण लूटपाट ऐसी धाराओं में, संगीन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, ये हमारी मांग है, जिससे आरोपी को सज़ा मिलेगी और बच्ची को न्याय मिलेगा। और यदि इन धाराओं के तहत यदि मामला पंजीबद्ध नहीं होगा तो सारे जो इस होशंगाबाद नर्मदापुरम के जितने भी जो संगठन हैं सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही और जवाबदारी जिला प्रशासन नर्मदापुरम की होगी। से तो आप देख रहे हैं कि ये क्राइम है, ये एक जुर्म है जो हुआ है, लेकिन उसको छुपाया भी गया है, हो सकता है कि शायद उसको दबाया गया हो, जो भी स्थिति है, लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर बात करने से ये समझ में आ रही हैं कि न्याय नहीं मिला है, और न्याय अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो न्याय अभी होना बाकी है। तो हम देखते हैं और हम बात करेंगे उच्च अधिकारियों से भी कि उनका इस पूरे प्रकरण में उनका कहना क्या है। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।